दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास एपिसोड के अंदर। तो इस खास एपिसोड के अंदर मैं बताने वाला हूं कि गूगल पे का जो स्क्रैच कार्ड है वो बैन होने जा रहा है, ठीक है ना। कहां पे बैन होगा, क्यों होगा, पूरा वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक जरूर वॉच कीजिए। वैसे ये बैड न्यूज है सभी के लिए, बैड न्यूज नहीं है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये एक स्टेट में ही बैन होने जा रहा है। कौन सी स्टेट है वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशनल मिलता है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मैं लेकर आता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं। ये है जो तमिलनाडु में बंद होने जा रहा है स्क्रैच कार्ड, क्यों बंद होगा वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि वहां पे 2003 से लॉटरी बंद है। ये स्क्रैच कार्ड वहां पे एक लॉटरी का काम कर रहा है, जिसके कारण ये बंद होने जा रहा है वहां पे, ठीक है। तो अभी जो तमिलनाडु के लोग हैं, वैसे आपको पता है किसी भी चीज़ को अगर हम बैन करवाना चाहें अपनी स्टेट में, तो बिल्कुल आराम से उस चीज़ को बैन करवा सकते हैं अपनी स्टेट में। अगर हमें उसमें कोई डाउट है, अगर हमें उसमें कोई गलत चीज़ लग रही है जो पब्लिक के लिए गलत है, उसका युवा पीढ़ी या किसी पीढ़ी पे गलत असर जा रहा है, तो हम उसको बैन करवा सकते हैं। जैसे कि टिकटॉक का बैन हो गया था इंडिया में, बट दोबारा चल गया, ठीक है ना। अभी ये भी बैन होगा एक दो दिन में, और उसके बाद भी चल सकता है, बट तमिलनाडु में होगा ये बैन। मतलब कि थोड़ा मुश्किल है एक स्टेट का बैन करना, आपको ही पता है बैन होगा वहाँ पे स्क्रैच कार्ड, जिसके कारण वहाँ के लोग जब मनी सेंड करेंगे, रिचार्ज करेंगे या कहीं पे शॉपिंग करेंगे, जिसमें आपको पता होता है कि एक कन्फर्म स्क्रैच कार्ड मिलेगा, जिसमें अमाउंट मिलेगा 10 से 50 रुपये, 10 से 300 रुपये, 50 से 200 रुपये, ऐसे होता है कहीं स्क्रैच कार्ड में भी कन्फर्म है, इतने मिलेंगे, इससे ज़्यादा ही मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो स्क्रैच कार्ड बैन होने जा रहा है भाई वहाँ पे। वैसे बैड न्यूज है, पर न्यूज है, देना काम है। अभी कन्फर्म हो जाएगा एक दो दिन में, तो जो भी न्यूज आएगी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। और अभी जो आसपास की स्टेट है उन पे भी असर हो सकता है इस चीज़ का। और अदरवाइज अगर जिस स्टेट में आप रहते हैं, अगर वहाँ के लोग इस चीज़ की आवाज़ उठाने लगे कि यहाँ पे भी इस स्क्रैच कार्ड को बंद करो, तो वहाँ भी बंद हो सकता है बिल्कुल आराम तरीके से, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, क्योंकि वहाँ पे लॉटरी है जो कई सालों से बंद है, वहाँ पे जुआ जो भी है मतलब बंद कर रखा है, क्योंकि आप लोगों को पता है इन चीज़ों से एरिया में लड़ाई होती है, तो इस चीज़ से दूर रखने के लिए इन चीज़ों को वहाँ पे बंद किया है, जिसके कारण उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये लॉटरी का काम कर रहा है, जिसके कारण इस चीज़ को बंद किया गया वहाँ पे। वहाँ पे सब कुछ ही बंद है। अभी पहले इनका गूगल पे वालों का एक गेम खेला शुरू किया था इन्होंने, तेज शॉट, जिसमें आप गेम खेल कर पैसा कमा सकते थे, ये भी वहाँ पे बैन कर दिया गया था, और ये भी वहाँ पे बैन कर दिया गया। अभी तो अदरवाइज और ऐप भी तो हैं जिनमें स्क्रैच कार्ड मिल रहा है, फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, काफ़ी हैं, पर अभी वो वहाँ पे बैन नहीं है। तो जो बैन था मैंने बता दिया आपको। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है, फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको पता चल सके कि ये वहाँ पे बैन हो रहा है, क्योंकि बैन हो रहा है वैसे बैड न्यूज है, पर हो रहा है बताना पड़ता है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूं। गूगल पे के सभी ऑफर लेटेस्ट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।